बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YouTube चैनल में सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में लेके आए हैं। हमारे घर का विजिट है, 14 मरला ये गर्जा मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान हम इसी वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको घर का स्ट्रीट ओवरव्यू चेक करवा देते हैं। इधर आप देख सकते हैं, इसकी लेफ्ट साइड सामने मेन डबल रोड है, फुली कारपेट स्ट्रीट है। और इधर इस घर की राइट साइड मेन ये इसका कार रैंप का एरिया है। और राइट साइड पे इसका जो है अभी ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया जाएगा, वाटर बोर हुआ हुआ है बाहरी ग्रीन एरिया पे। क्लोजली आप एक दफ़ा फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। लग्जरी जो है वो मॉडर्न तर्ज में डिज़ाइन किया गया है। ये इस घर का मेन डोर वर्क ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। और फ्रंट पर टाइल स्टील एंड स्टील के ग्रिल। जी व्यूअर्स, घर के अंदर लेके चलते हैं हम आपको। तो ये घर का गराज का एरिया है, तीन बड़ी गाड़ियों की इजीली पार्किंग। नीचे आप देख सकते हैं इसका जो है टाइल वर्क खूबसूरत, और ऊपर आप इसका सीलिंग वर्क। राइट साइड पे इसका जो है छोटा सा गैलरी एरिया है, ये जो इधर सेपरेट टैंक, एक बड़ी गाड़ी जो है वो इधर भी पार्किंग हो सकती है। गराज का ही एरिया है, तीन बड़ी गाड़ियाँ ईजीली पार्किंग। और लेफ्ट साइड पर इसका जो है आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन। और ये इसकी गैलरी का एरिया है, लेफ्ट और बैक साइड इसकी ओपन है। इधर भी आप देख सकते हैं नीचे खूबसूरत टाइल वर्क। जी व्यूअर्स, मेन आप इसके जो है थ्री डोर देख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले की बात करें तो ये सेपरेट ऊपर वाले पोर्शन की इंटरेस्ट है, और सेकंड है ये गराज वाले ग्राउंड पोर्शन की इंटरेस्ट है। राइट साइड पर इसका जो है ड्राइंग और डाइनिंग जो है वो विजिट करवा देते हैं हम आपको। सबसे पहले ये इंटर होते ही नीचे ब्लैक कलर ग्रेनाइट और इंटरेस्ट डोर वर्क आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये इसका ड्राइंग रूम का एरिया है। सामने वॉल पे आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन, 3D वॉलपेपर। और ऊपर आप इसका सीलिंग वर्क देख सकते हैं, नीचे इसका टाइल वर्क। और ये जो थोड़ी सी वुड के साथ जो है पार्टीशन हुई है। नेक्स्ट जो आगे इसका जो है डाइनिंग का एरिया है। ये इसका ड्राइंग रूम, पहले आपको फर्दर डिटेल में विजिट करवा रहे हैं। ड्राइंग रूम के ऊपर से खूबसूरत फानूस के साथ जो है डिज़ाइन सीलिंग। और इधर इसका जो है डाइनिंग का एरिया है, ऊपर आप सीलिंग वर्क देख सकते हैं, नीचे इसका खूबसूरत टाइल वर्क। और ये पार्टीशन हुई हुई है जो कि नेक्स्ट आगे जो है टीवी लाउंज का एरिया है। डाइनिंग के आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत वुड वर्क। जी व्यूअर्स, मेन हम आपको इसके इंटरेस्ट से दाखिल करते हैं जो कि ग्राउंड पोर्शन की मेन इंटरेस्ट है। इधर से ये इसकी मेन जो है वो ग्राउंड पोर्शन की इधर से इंटरेस्ट, उधर से हम आपको डिटेल में जो है वो विजिट करवाते हैं। ये मेन इंटरेस्ट डोर वर्क है, इधर भी आप देख सकते हैं नीचे इंटर होते ही ब्लैक कलर ग्रेनाइट और डोर वर्क। इंटर होते ही ये लोबी का एरिया है, लेफ्ट साइड पे इसके जो है ग्राउंड पोर्शन के भी ऊपर वाले स्ट्रेट पोर्शन की इधर इंटरेस्ट दी गई है जो कि डोर दिया गया है इधर। ये हम आपको आगे चल के विजिट करवाते हैं। ये लोबी पे आप देख सकते हैं सबसे पहले राइट साइड पे खूबसूरत वॉलपेपर के साथ जो है वो 3D जो है वॉलपेपर के साथ वॉल डिज़ाइन की गई है। और इसके बिल्कुल सामने जो है ये इसका गेस्ट बेड, इंटरेस्ट डोर वर्क। और ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क, नीचे इसका टाइल वर्क, सामने इसकी जो है वो वेंटिलेशन बैक गैलरी की तरफ से। और इधर इसका बाथ, बाथ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत ऊपर सीलिंग वर्क, ये इसकी जो है वो वेंटी की एरिया है, नीचे टाइल वर्क। इधर इसके जो है साथ ही कबर्ड्स। और नेक्स्ट जो है इसके जो आगे चल के ये इसका टीवी लाउंज का एरिया है। टीवी लाउंज का आप देख सकते हैं सामने बहुत ही खूबसूरत जो है वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन, ऊपर सीलिंग वर्क। और इधर इसके LCD के पॉइंट, ये इसका सेपरेट जो है वो पार्टीशन ड्राइंग और डाइनिंग की। सामने इसके आप देख सकते हैं इसके जो है LCD के कवर्स।
3D टाइप जो है वो इसके भी आप ले सकते हैं, वुड वर्क हुआ हुआ है। और राइट साइड पे इसके लिए वॉलपेपर, इसके इधर बिल्कुल सामने जो है किचन और 2 मास्टर बेडरूम। ये इसका किचन, किचन पे आप देख सकते हैं नीचे वुड कलर में जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है। और राइट साइड पे इसके जो है ये किचन के कबर्ड्स, और ये इसके बर्नर इधर इंस्टॉल हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क, और लेफ्ट साइड पे जो है वॉल फुली ऊपर तक किधर भी टाइल वर्क हुआ हुआ है। बर्नल अभी इधर इंस्टॉल किया जाएगा। ऊपर आप हुड देख सकते हैं टच सिस्टम में, और ये इसका जो ये वॉश एरिया, यही बैक गैलरी की एंट्रेंस, किचन से भी लॉटरी की जगह भी दी गई है इधर ही। इधर इसका फर्स्ट जो है वो मास्टर बेडरूम, इंट्रेस्ट डोर वर्क, और ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क। इधर लेफ्ट साइड पे जो है वॉल खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन, नीचे इसके जो है वो टाइल वर्क। ये भी घर का कुछ पेंट का काम अभी अनकम्प्लीट है, इधर टचिंग अभी होने वाली है। साथ इसका बाथ अटैच, ये इसका बाथ, बाथ का आप देख सकते हैं नीचे खूबसूरत टाइल वर्क, वेंटी आप देख सकते हैं, इंग्लिश सीट, टाइल जो है वो कम्बिनेशन बहुत अच्छा किया गया है। शावर एरिया इधर जो है वो ग्लास के साथ जो है वो पार्टीशन जी वर्ड। थर्ड बेडरूम, ये इंट्रेस्ट डोर वर्क, नीचे आप देख सकते हैं इसका टाइल वर्क, ऊपर सीलिंग वर्क, राइट साइड पे वॉल के साथ जो है वो 3D वॉलपेपर। सामने से जो है कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ, बाथ का आप देख सकते हैं विंटी, और इंग्लिश सीट इधर भी, शावर एरिया, पार्टीशन जो है वो मिरर के साथ, और इधर से ही बैक गैलरी की एड्रेस है, ये बैक गैलरी की। इधर आप देख सकते हैं नीचे जो है वो खूबसूरत टाइल वर्क, और सेपरेट गीज़र इंस्टॉल है, लॉन्ड्री की जगह भी इधर दी गई है। ग्राउंड पोर्शन में इसके जो है व्यूअर्स 3 मास्टर बेडरूम, फर्स्ट और सेकंड, ये इसका किचन, टीवी लाउंज का एरिया, ड्राइंग और डाइनिंग, 3rd मास्टर बेडरूम। बाहर सामने आप देख सकते हैं गैराज है मेन एंट्रेंस ग्राउंड पोर्शन की, और ग्राउंड पोर्शन से ही हम आपको इसके ऊपर वाले पोर्शन में भी लेके जा सकते हैं। बाहर से सेपरेट भी इसकी गैराज से जो है ये फर्स्ट जो है वो हमने आपको डोर विजिट करवाया था ये, और इधर भी आप कुछ स्पेस जो है वो एज ए स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर होते ही आप देख सकते हैं नीचे आप खूबसूरत जो है वो स्टेयर्स का जो है वो डिज़ाइन, ब्लैक कलर ग्रेनाइट, और ग्रिल आप देख सकते हैं फुली जो है वो स्टील एंड स्टील की जो है वो इसके साथ ग्रिल है। और इंटर होते ही लेफ्ट साइड पे जो है डोर मेन एंट्रेंस है ऊपर वाले फ्लोर की, और राइट साइड पे इसका जो है ये ड्राइंग रूम का आप डोर देख रहे हैं। ये वाला डोर जो है इस स्पेस को आप एज ए स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं, और इधर इसके कबर्ड्स भी दिए गए हैं, टेरेस का भी इधर से एंट्रेंस है, ये इसके कबर्ड्स, और सामने इसका जो है ये गेस्ट के लिए बाथ भी दिया गया अटैच, ये इसका बाथ। ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क, इधर से ही टेरेस की एंट्रेंस है, टेरेस पे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क, और ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं इसकी टाइल के साथ। ऊपर से आपको एक दफ़ा फर्दर स्ट्रीट ओवरव्यू जी व्यूअर्स। इसका ये जो है डोर सेपरेट जो है वो स्टेयर से ड्राइंग और डाइनिंग के लिए, इसका हम आपको फर्दर जो है वो ऊपर वाले पोर्शन की मेन एंट्रेंस से ही विजिट करवाते हैं। तो ये ऊपर जा रही है स्टेयर्स रॉफ टॉप की तरफ, तो ये इंटर होते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पे इसका जो है गेस्ट बेड है, और ये लॉबी है, इस पर भी आप देख सकते हैं राइट साइड पे खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन। ये इसका सबसे पहले गेस्ट बेड विजिट करवा देते हैं, नीचे आप देख सकते हैं इसका टाइल वर्क,
और ऊपर सीलिंग वर्क दे सकते हैं, सामने वेंटिलेशन और इधर इसके बिल्कुल साथ ही अटैच बाथ। इंग्लिश सीट लगाई गई है, वेंटी आप देख सकते हैं, इसका ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क और इधर इसके कबर्ड्स। एंटर होते ही ये इसका ऊपर वाले पोर्शन का जो है टीवी लाउंज का एरिया है, और इसका आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले सीलिंग वर्क, फानूस के साथ डिज़ाइन, और सामने वॉल जो है वो 3D वॉलपेपर, इधर इसके जो LCD का पॉइंट्स, राइट साइड पे इसका जो ड्राइंग और डाइनिंग, इंट्रेस्ट पार्टीशन डोर वर्क, और ये इसकी जो है डाइनिंग का एरिया है और ड्राइंग और डाइनिंग। ये वाली जो है वॉलपेपर की जो है वो पार्टीशन आपको जो है वो क्लियर करती है कि ये कुछ स्पेस जो है ये डाइनिंग की है और मेन जो है वो सेकेंड वो ड्राइंग रूम की है। ऊपर आप देख सकते हैं इसका जो है सीलिंग वर्क जो है वो ड्राइंग और डाइनिंग का सेम ही किया गया है। ऊपर आप सीलिंग फानूस के साथ डिज़ाइन, सामने इसकी वेंटिलेशन, ये इसकी पार्टीशन जो है वो टीवी लाउंज के साथ कनेक्ट होती है, ये इसका टीवी लाउंज का एरिया है। ऊपर आप देख सकते हैं इसका जो सीलिंग वर्क, और इधर इसके बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन के साथ जो है टीवी लाउंज के सामने किचन और 2 मास्टर बेडरूम, ये इसका किचन। किचन का आप देख सकते हैं नीचे वुड वर्क में डिज़ाइन, और ऊपर इसके जो है कबर्ड्स वगैरह, इधर बर्नल वगैरह इंस्टॉल है इसके, ओवन बर्नल वगैरह, ये इसका शावर एरिया, वेंटिलेशन, टच वुड में जो है वो इसका हुड। जी व्यूअर्स, इधर इसका सेकंड जो है वो मास्टर बेड, इंटरेस्ट आप देख सकते हैं डोर वर्क, और नीचे इसका जो है वो टाइल वर्क, और सामने जो है पेंट का काम अभी थोड़ा सा जैसे कि आपको क्लियर किया है अनकम्प्लीट है, ऊपर हो रहा है अभी। और ये ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क, इधर भी लेफ्ट साइड पे जो है वॉल के ऊपर 3D वॉलपेपर, वेंटिलेशन है ये, और इसके इधर बिल्कुल साथ ही अटैच बाथ। बाथ का जो है वो टाइल जो कलर है बहुत ही खूबसूरत और क्लियर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, फुली ऊपर तक आप देख सकते हैं टाइल, ऊपर सीलिंग में ही इसकी जो है वो वेंटिलेशन का जो है वो एग्जॉस्ट लगाया गया है, शावर एरिया जो है ये आप देख सकते हैं इसका, और ये इधर एक वेंटिलेशन की जगह भी देखिए, ये इसकी वेंटी। जी व्यूअर्स, इधर इसका थर्ड मास्टर बेडरूम, इंटरेस्ट डोर वर्क, और ये आप देख सकते हैं नीचे इसके जो टाइल वर्क और ऊपर सीलिंग वर्क, राइट साइड पे इसके जो वॉलपेपर के साथ 3D डिज़ाइनिंग, इधर इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल अटैच बाथ। इंग्लिश सीट लगाई गई है सब बाथ में, और शावर एरिया जैसा कि आपको देख चुके हैं आप, ऊपर एग्जॉस्ट में ही जो है वो सीलिंग वर्क के एग्जॉस्ट में ही, और ये इसकी जो है बैक गैलरी के इंटर साइड से ही। ये इसकी बैक गैलरी, बैक पे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क, सेपरेट गीजर इंस्टॉल है ऊपर वाले पोर्शन का, ऊपर वाले पोर्शन में भी विवर्स 3 मास्टर बेडरूम और ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च डाइनिंग किचन डिज़ाइन किया गया है, और टेरेस वगैरह आप देख सकते हैं जो कि हम आपको इसके अभी ऊपर लेके चलते हैं रूफ टॉप की तरफ। तो ये स्टेट्स सेम जो है वो पैटर्न है स्टेट्स का, ग्राउंड से लेके ऊपर रूफ टॉप तक, ब्लैक कलर ग्रेनाइट, और ये इसका डोर है छत का, इधर छत पे भी आप देख सकते हैं नीचे चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये इसके 2 सर्वर्ट्स दिए गए हैं, इसे आप एक को स्टोर रूम भी बना सकते हैं, फर्स्ट पहले आपको विजिट करवा देते हैं। इसका नीचे आप देख सकते हैं टाइल वर्क, साथ इसके बिल्कुल अटैच बाथ, और इधर इसका सेकेंड, नीचे टाइल वर्क,
इसे आप एज ए स्टोर बना सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आप एज ए सर्वेंट रूम बना सकते हैं। इधर इसका सेपरेट टैंक, छत का एक दफ़ा आपको फोली का जो रिव्यू। व्यूअर्स, इस घर की जो है वो डिमांड कर रहे हैं 7 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।